Once again, good afternoon to everyone. और आज depreciation chapter की हम last class लेंगे. Last class से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ. पूरे chapter के अंदर हमारे पास जब हम ledgers की बात करते हैं, I am not talking about journal entries. जब हम ledger accounts की बात करते हैं, तो पूरे chapter के अंदर जैसे जैसे आप illustrations आगे चलते जाओगे, आपको दिखाई देगा. एक तो आपको बनाना होता है असेट अकाउंट, जिसकी अभी तक हमने प्रैक्टिस करी है. कोई भी असेट हो सकता है, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी असेट अकाउंट. तो इसकी तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं. एक और होता है इसके अंदर, उसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. इट मींस एक और अकाउंट, एक और लेजर अकाउंट आपने मेरे से सीखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये वाला टॉपिक हम तब करेंगे जब आपके स्कूल वाले, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर इस टॉपिक नहीं कराया जाता, तो मैं अननेसेसरी नहीं चाहता आप सबके ऊपर बर्डन आए. इस टॉपिक को हम तब करेंगे जब आपके स्कूल के अंदर ये वाला टॉपिक होगा, तभी हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे. कुछ स्कूल्स में हो गया है, सबके में हो जाएगा तो सबको करा दूंगा. जिस जिस में होगा उसकी अलग क्लास लेंगे. और इसके अंदर एक और अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं असेट्स डिस्पोजल, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट. तो ये एक और लेजर बनता है, असेट्स डिस्पोजल. इस बार सीबीएसई ने, मैं आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा, ऑल टुगेदर सीबीएसई ने ये वाला अकाउंट डिलीट कर दिया है. तो ये अकाउंट तो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है. प्रोविजन वाला तब कराएंगे जब आपके स्कूल में होगा, तब तक इसको क्रॉस लगा रखा है. और असेट्स में आपके साथ ऑलरेडी करा चुका हूँ. तो अगर आप इलस्ट्रेशंस करते हैं और आपको ये चीजें मिलती हैं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए हमारे कोर्स का पार्ट क्या है. बेटा पहले ये बताओ, जो मैंने आपको बताया है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने ये क्या समझाया है आपको, तीन लेजर अकाउंट्स, इज इट क्लियर? आपने मुझे बताना है कि प्रोविजन आपके स्कूल में होगा, तब हम भी डिस्कस करेंगे. जल्दी से बताइए, लेजर्स वाला पोर्शन खत्म हो गया, जर्नल एंट्रीज मैं आपको करा चुका हूं, और अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. जरा दोस्तों, आज एक बेसिक क्लासेस है, एमसीक्यू के ऊपर होगी पूरी क्लास. मैं एक बार आपको लिख देता हूं यहां पे, डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा था हमारा, डेप्रिसिएशन. और मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. यहाँ पे जो आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, वो हमेशा किस पे लगाते हो? कॉस्ट पर. मैंने आपका संडे टेस्ट लेना है, तो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना. अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डालूंगा, एमसीक्यूज होंगे सारे के सारे. एसएलएम लगता है कॉस्ट पर, बट रिटर्न डाउन वैल्यू लगती है जो वैल्यू कम होती रहती है, यानी रिड्यूस वैल्यू. हर साल जब वैल्यू रिड्यूस होके आती है, उस वैल्यू पे लगता है आपका डेप्रिसिएशन. इसको बोलते हैं बुक वैल्यू. बुक वैल्यू का मतलब रिड्यूस वैल्यू. जैसे मैं आपको बताऊं, दोनों का एक एक करके एग्जांपल दे देता हूं आपको, एक बार फटाफट रिफ्रेश हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है. ये मशीन खरीदी है 1000 की, ये इनकी क्या है? ये ओरिजिनल कॉस्ट है. डेप्रिसिएशन का रेट मान लेते हैं 20%. तो आप जब पहले साल डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो इसका 20% होता है 200. कितना बचा? 800. फिर जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन पे हम किस पे लगाते हैं? हम लगाते हैं कॉस्ट के ऊपर. तो अगली बार जो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, वो किस पे लगाओगे? वो कॉस्ट पर लगाओगे, 200. इस तरह से हमारा काम चलता है. बट जब हम बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू की,
रिटर्न डाउन वैल्यू पे जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो पहले साल तो सर इसी पे लगता है 20%, 200, नेक्स्ट टाइम जो आया 800, रिड्यूस वैल्यू। रिड्यूस वैल्यू को कुछ बुक्स में बोला जाता है बुक वैल्यू, यानी सर ये बुक वैल्यू है। अब जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो बहुत ध्यान से देखो, अब डेप्रिसिएशन आप इस पे लगाओगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपने इस पे लगाई थी, अब डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे लगाओगे और 20%, 800 का 20% होता है 160, तो फाइनली आंसर आ गया 640। यस बेटा, मैं एमसीक्यूज पूछूंगा आपसे, बहुत टेक्निकल टेक्निकल चीजें होंगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बुक वैल्यू का मतलब, रिड्यूस वैल्यू, कॉस्ट का मतलब, कैसे लगाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये था एसएलएम, ये था डब्ल्यूडीवी, और रेट कितना था 20% पर एनम। आज की क्लास का पहला टॉपिक टॉपिक ये है कि सर अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, इसका मतलब ये 20% अगर गिवन नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे। तो पहले आपको समझ आना चाहिए मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर नहीं गिवन, 20% नहीं गिवन, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देखना, एनुअल डेप्रिसिएशन, सालाना डेप्रिसिएशन, एक साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, एनुअल फॉर्मूला क्या है इसका। फॉर्मूला है परचेज प्राइस, जिस प्राइस पे आप परचेज करते हो, लिख देते हैं यहाँ पे पूरा पूरा, परचेज प्राइस प्लस अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस मैंने प्लस कर दिए, माइनस, माइनस होती है स्क्रैप, कबाड़ी वाले को कितना मिलेगा। नीचे आता है नंबर ऑफ इयर्स, यूजफुल लाइफ, ये होता है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला। अब एक एक करके जरा बात को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंसेस की, पहला स्टार, कौन से एक्सपेंसेस आएंगे। यहां पे पहला स्टार ये रहा, मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस सिर्फ वो आएंगे जो जरूरी होते हैं टू मेक असेट्स रेडी फॉर यूज, असेट्स को रेडी करने के लिए, यूज करने के लिए, टू मेक द असेट्स, वेरी गुड समीक्षा, टू मेक द असेट्स रेडी फॉर यूज, वो वाले एक्सपेंसेस प्लस होंगे बस। और इसमें मैंने आपको बताया था जीएसटी, जीएसटी को आपने कभी कैलकुलेट नहीं करना। और आज एक और चीज बता देता हूं, सम टाइम्स आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया होगा, सम टाइम्स आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया होगा, इंटरेस्ट को भी नहीं लेना, ना जीएसटी लेना है ना इंटरेस्ट लेना है, बाकी सारे खर्चे विच आर मेक असेट्स रेडी फॉर यूज, असेट्स को रेडी करने में जो भी खर्चे होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा क्लियर हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है। अगर सिंपल बात करें हिंदी में, स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़ी वाला, इसको समटाइम्स हम बोलते हैं सेल्वेज, सेल्वेज वैल्यू, ये बुक्स में नाम दिया हुआ है सेल्वेज वैल्यू, कुछ बुक्स में लिखा होता है रेजिडुअल वैल्यू। बस कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपके स्कूल टीचर्स हमेशा दूसरी बुक से पेपर बनाते हैं, तो बाकी बुक्स के भी नाम आपको पता होने चाहिए, स्क्रैप, सेल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, ये क्या मतलब है। अब जरा एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ इसको।
इससे निकलता है एनुअल डेप्रिसिएशन। हम आपकी बुक का एक क्वेश्चन करते हैं जरा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि सर हमें क्या करना है इसके अंदर। ये मेथड आप तब लगाएंगे व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। और फटाफट आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 12 पर, जल्दी से चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 और मैं यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 2 इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब बच्चों के पास ये बुक है। चलिए आराम से देखते हैं। अ फर्म बॉट मशीन 7,40,000 ऑन 1 अप्रैल। 7,40,000 की मशीन खरीदी है। 60,000 इज स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। बेटा इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्चा हुआ है। मैंने आपको बताया था ये खर्चे जो इंस्टॉलेशन पे होते हैं ये एक्सपेंस होते हैं, असेट्स का पार्ट बन जाते हैं। यूजफुल लाइफ इस मशीन की लाइफ दे रखी है 5 साल। ये मशीन कितने साल चलेगी? 5 साल चलेगी। इट इज एस्टिमेटेड दैट रियलाइजेबल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड वॉज 40,000। 5 साल बाद ये बिक जाएगी 40,000 रुपए। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन बताना है, एनुअल डेप्रिसिएशन। मैं आपको समझा देता हूं। आपने ये मशीन परचेज करी है। कितने की परचेज करी है? 7,40,000 की। ये मशीन का परचेज प्राइस है। फिर आपने इसके ऊपर एक ऐसा एक्सपेंस करा जो बहुत जरूरी है, इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन में आपने इसके ऊपर खर्चा कर दिया 60,000, जो बहुत जरूरी है इंस्टॉल कराना। इसका मतलब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? ये आ गई इस मशीन की कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। वेरी गुड, टोटल कॉस्ट आ गई 8,00,000 रुपए। और उन्होंने बताया है ये मशीन सिर्फ चलेगी 5 साल, यानी 5 साल में आपको इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। और ये भी बताया कि 5 साल बाद जब कबाड़ी वाला आएगा, आफ्टर 5 ईयर्स स्क्रैप वैल्यू, ये मशीन जो 8,00,000 की थी, कबाड़ी वाला इसके कितने पैसे देगा? सिर्फ इसके 40,000 रुपए देगा। 5 साल बाद अगर आप कबाड़ी वाले को बेचोगे तो ये इस मशीन के सिर्फ आपको 40,000 रुपए देगा। अब हमें निकालनी है डेप्रिसिएशन। चलिए जरा आराम से देखते हैं इसके अंदर। मैं बुक यहां से हटा देता हूं और ये रहा हमारा फॉर्मूला, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप। तो यहां देखते हैं जरा, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप। देखा जाए तो आपकी जेब से गए हैं 8,00,000। आप देखो फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्मूला कैसे बना वो समझें। आपकी जेब से गए हैं 8,00,000 और आपको 40,000 रुपए मिल जाएंगे। बेटा कबाड़ी वाले आपको कितने पैसे दे देगा? 40,000। तो देखा जाए आपकी जेब से पता है कितना पैसा गया? 8,00,000 गया, 40,000 तो मिल जाएगा। आपकी जेब से गया 7,60,000। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 5। नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5। तो फटाफट देखें कैलकुलेटर कहाँ गया। आपकी जेब से टोटल पैसे गए हैं 7,60,000। वेरी गुड कृष्णा, डिवाइड बाई 5 तो ये आ गया डेप्रिसिएशन। हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? 1,50,000। दिस इज कॉल्ड एनुअल डेप्रिसिएशन। 1,50,000 एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। बेटा ये मिल जाएगी, ये आपको लग रहा है कि ये मिल जाएगी, इसलिए हमने एक जजमेंट के बेस पर ये निकाला कि हमारी सालाना डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 152। तो ये फॉर्मूला होता है d
डेप्रिसिएशन निकालने का। इसका मतलब जैसे मशीन है, पहला साल आप जरा समझना मैं कैसे कर रहा हूं, मशीन की एक्चुअल कॉस्ट थी 8 लाख, पहले साल आप डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 1,52,000। 1,52,000 बताओ कितना बच गया? 6,48,000 बच गया। अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे, कितनी लगाओगे? 1,52,000। इस तरह आपको हर साल डेप्रिसिएशन लगानी है। चलो एक बार लगा ही लेते हैं, 8,00,000 - 152, 6,48 - 152, ये आ गया 4,96,000। फिर डेप्रिसिएशन लगा दी, कितनी डेप्रिसिएशन लगा दी? हर साल 152। इसका मतलब कौन सा मेथड है ये दोस्तों? दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें से भी जरा माइनस करते हैं 152, तो ये आ गया 3,44,000। फिर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, हर साल डेप्रिसिएशन लगेगी 152, ये आ गया 192। उन्होंने कहा था 5 साल की लाइफ है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 5 साल की लाइफ है, 5 साल की डेप्रिसिएशन और लगा दो। कितनी डेप्रिसिएशन लगा दी? 152। यानी 5 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी बची? इसकी वैल्यू बची 40,000 की। 40,000 की इसकी वैल्यू है, और आपने स्क्रैप कबाड़ी वाले को कितने में बेच दोगे? कबाड़ी वाले को बेचोगे 40,000 में। तो जल्दी बताओ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या कुछ नहीं हुआ? 40 की चीज 40 में बेचेंगे, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस या कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब नो, कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसीलिए ये वाला मेथड बनाया गया है जिससे हमेशा प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, आपका डेप्रिसिएशन ऐसा होगा जिससे प्रॉफिट एंड लॉस कभी नहीं निकलेगा। एमसीक्यूज में रेडी रहना, एकदम छोटी छोटी बातें पूछेंगे आपसे, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ये हमारा पहला तरीका था, मगर सर कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो डेप्रिसिएशन निकाला है, क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछें कि डेप्रिसिएशन तो निकालना सीख लिया, बट हमें क्या सीखना था? हमें तो ये सीखना था कि रेट कैसे निकालना है, ये जो 20% होता है ये रेट कैसे निकालते हैं। तो ये लीजिए दूसरा फॉर्मूला, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। बड़ा आसान फॉर्मूला है, अभी आपने निकाली थी एनुअल डेप्रिसिएशन। इस फॉर्मूले से आपने क्या निकाली थी? एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में लिख देना कॉस्ट, बस अपॉन में लिख देंगे कॉस्ट। हमने क्या किया था? एनुअल डेप्रिसिएशन जो आपने निकाली, अपॉन में लिखा कॉस्ट इनटू 100। इस तरह से आपको करना है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में करके दिखाऊं आपको, तो मुझे बताओ हमने एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी निकाली थी? फटाफट मेरी हेल्प करो, कितनी थी बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी? वेरी गुड, 152। और कॉस्ट याद है आपको, कॉस्ट कितनी थी? टोटल कॉस्ट थी 8 लाख इनटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 19% पर एनम। बस यही तो निकालना था। तो आपको समझ आ गया ये कौन सा मेथड है? ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर रेट निकालेंगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट, फाइनली आंसर आ गया 19% पर एन। ये हमारी कौन सी इलस्ट्रेशन थी? इलस्ट्रेशन नंबर 2।
बट पहले ये बताएं, क्या आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आया है? जल्दी से बताइए यस और इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हम स्क्रैप क्यों माइनस करते हैं, सारे मैंने आपको रीजंस बता दिए। बेटा जल्दी जल्दी सारे बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे, 21 पार्टिसिपेंट्स हैं, जल्दी से। ये SLM के अंदर हमने क्या सीखा? रेट। आप याद रखना, अगर आपको रेट नहीं गिवन तब दोस्तों ये दिक्कत आएगी, अगर रेट गिवन है फिर तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। वेरी गुड दृष्टि। चलिए एक डाउट है एक बच्चे, अभी डाउट लेते हैं क्लास के बाद, मैं अभी आपसे कुछ और भी बात करना चाहता हूं, सुनना मेरी बात एक और। बेटा SLM कुछ बच्चों को डाउट्स हैं, चलो मैं डाउट्स अभी आप सबके ले लेता हूं, तीन चार बच्चों के डाउट्स आ गए, एक दो क्वेश्चंस कर लें फिर डाउट्स लेते हैं आपके साथ। अब एक और क्वेश्चन आप समझें जरा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं। ये एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 1 लाख। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ये एक इस तरह के MCQs आएंगे। पहले साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया, मान लेते हैं 10%, तो पहले साल डेप्रिसिएशन है 10%, कितना बचा? 90,000। फिर अगले साल फिर डेप्रिसिएशन अगले साल फिर 10,000, कितना बचा? 80,000। इसको देख के आप मुझे ये बता सकते हो SLM है या WDV है? बेटा इस तरीके को देख के क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि SLM मेथड है या ये WDV? मैंने नहीं बताया, आप बताइए। उत्कर्ष का आंसर आ गया, निधि कृष्णा, यानी सर ये मेथड कौन सा है? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया SLM। SLM के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है। SLM के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है? सेम होता है। वेरी गुड, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, सब में डेप्रिसिएशन सेम आ रहा है, इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन किस पे लगती है? ये डेप्रिसिएशन लगती है ओरिजिनल कॉस्ट पर, हमेशा याद रखना ओरिजिनल कॉस्ट पर, इसलिए डेप्रिसिएशन सेम आता है। कितने साल हो गए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी 3 साल बाद की ये आपकी वैल्यू है। बेटा 3 साल बाद की ये आपकी वैल्यू है। क्वेश्चन आपके पास ये आएगा, अगर उन्होंने वैल्यू आपको दे दी, उन्होंने कहा 3 साल बाद वैल्यू है 2,10,000, डेप्रिसिएशन है 10%, मेथड है SLM। क्वेश्चन बहुत ध्यान से, 3 साल बाद 2,10,000 है, क्या आप इसकी ओरिजिनल कॉस्ट बता सकते हैं? क्या आप कॉस्ट बता सकते हैं? ये आता है दोस्तों क्वेश्चन, उल्टा जाना है, दिमाग लगाना है। टेक योर टाइम, मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं, कोशिश करो ओरिजिनल कॉस्ट निकालने की 3 साल बाद। सेम क्वेश्चन है, 3 साल है, 3 साल है, लो मैं लिख भी देता हूं, नंबर ऑफ इयर्स 3, देखते हैं कौन बच्चा बता रहा है। सिया का आंसर आया है पहला। बेटा सिया ओरिजिनल कॉस्ट ज्यादा होगी, आपने कम कैसे कर दी? ज्यादा होगी तभी तो डेप्रिसिएशन लग लग के कम हो गया। इतना क्लियर है, 2,10,000 से आंसर ज्यादा आएगा, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। मैंने बस आपको हिंट दिया है कि मैं MCQ में कैसे क्वेश्चंस डालूंगा। मेरे पास 2 बच्चों के आंसर आया, ट्राई करो बेटा, टेक योर टाइम, डोंट वरी, एक बार कोशिश तो करें। पहला आंसर आया 1,80,000, 2,73,000, 2,30,000, 7,00,000। बेटा ये चारों आंसर्स गलत हैं, टेक योर टाइम,
समीक्षा जैन का आंसर आया है करिश्मा। करिश्मा आंसर गलत है। और देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आ रहे हैं। लगाओ फटाफट दिमाग। कशिश सचदेवा, कशिश सचदेवा आपका आंसर ठीक है। और बताइए समीक्षा आपका आंसर, मैसेज करो समीक्षा फटाफट। अभी तक आंसर ठीक आया है, एक कशिश का ठीक है, समीक्षा जैन का आंसर भी ठीक है, दो बच्चों का आंसर ठीक है बेटा, बाकी सारे स्टूडेंट्स। दोस्तों दिमाग लगाना पड़ेगा अब आपको। आप पहले ही क्वेश्चन में फंस गए, इसलिए बेटा अवेयर हो जाना, टेस्ट थोड़ा सा टेक्निकल होगा। चलिए मेरी बारी आ गई अब। टू लैख 73,000 बच्चे बता रहे हैं, अब मेरी बारी, मैं आपको समझा देता हूं बेटा। पहले एक आसान तरीका बताते हैं आंसर्स क्या है, आसान तरीका। उत्कर्ष बेटा गलत हो गया आंसर, आसान तरीका, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं हम बेटा, सबसे आसान तरीका, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, 70 के टेबल में 2,10,000 कब आता है, कोई मुझे बता सकता है 70 के टेबल में 2,10,000 कब आता है? मैथ्स की बात, कब आता है? वेरी गुड, कब आता है? थ्रीजा आता है बेटा। ये शॉर्टकट किसी को बताना नहीं है, बहुत ध्यान से। 70 के टेबल में 3 से आता है 2,10,000, बस 1,00,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 1,00,000 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कॉस्ट कितनी आई, जल्दी से बताओ। 1,00,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आएगी 3,00,000। 3,00,000 इज द करेक्ट आंसर। बस ऐसी बातें आपने अपने स्कूल में डिस्कस नहीं करनी है, हमारी नॉलेज हमारे तक रहे, एग्जाम्स के बाद बात करेंगे। तो 3,00,000 रुपए क्या आ गई ओरिजिनल कॉस्ट। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं, एक और तरीका। आपको पता है SLM के अंदर डेप्रिसिएशन लगता है 10%। लेट बच्चे कह रहे हैं सर एक बार दोबारा समझा दो, आओ जरा शॉर्टकट प्लस प्लीज रिपीट बेटा। पहले आप एक बार लॉन्ग कट समझते हैं। लेट ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट को हमने मान लिया एक्स। अब ओरिजिनल कॉस्ट को क्या मान लिया एक्स, देखते जाओ। 1, 2, 3 टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा 30%। तो ओरिजिनल कॉस्ट को एक्स मान लिया, एक्स में से डेप्रिसिएशन, मैं टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं, टोटल डेप्रिसिएशन है 30%। 30% किसका, एक्स का बेटा, 30% किसका, एक्स का। ओरिजिनल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन 30%, और 30% माइनस करने के बाद फाइनली क्या वैल्यू बची, फाइनली वैल्यू बची 2,10,000। आप सब बच्चों ने 30% इसका निकाला था, जबकि डेप्रिसिएशन हमेशा लगती है कॉस्ट पर। असेट मैं यहां लिख देता हूं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ये आ गई बुक वैल्यू। खत्म हो गई कहानी, बस इस इक्वेशन को जरा आप सॉल्व कर लेते हैं। ये वो मेथड है जो आपके बुक्स में दिया होगा, जरा माइनस करें तो ये आ रहा है 70/100 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2,10,000। X इज इक्वल टू 2,10,000, 100 ऊपर
70 नीचे, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली एक्स आ गया 3 लाख। एक्स को आपने क्या माना था? दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट। तो बेटा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस डालूंगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस हैं, शॉर्टकट बड़ा आसान है बेटा। जिन बच्चों को दिख रहा है क्लियरली, मैंने कहा 70 के टेबल में ये कब आएगा? 3 जा 73 जा, तो ऊपर भी ओरिजिनल कॉस्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 3 लाख। तो ये लॉन्ग कट भी समझा दिया, शॉर्टकट भी समझा दिया, लॉजिक भी बता दिया। अब आप 3 लाख के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन निकालना चाहो तो आप निकालते चलो। ये देखो, पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगी 30,000, 10%, कितनी वैल्यू बची? 2,70,000। फिर डेप्रिसिएशन लगेगी 30,000, अब वैल्यू आ गई 2,40,000। फिर डेप्रिसिएशन लगेगी 30,000, वैल्यू आ गई 2,10,000। हेंस प्रूव, जो हमने निकाला है बिल्कुल सही निकाला है, प्रूव हो गई बात। बेटा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए, क्या ये समझ आया है आप सबको? एक छोटा सा पॉइंट जीएसटी का भी आपके साथ डिस्कस कर लूं। बेटा ये क्वेश्चन हर बार हर स्कूल में आता है। हाँ, जीएसटी के बारे में मैं प्रैक्टिकल डिस्कशन करूंगा, जल्दी से देखना, हम प्रैक्टिकल डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट आता है, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड होता है, उसके बाद जो भी प्राइस आता है उसको कहते हैं लिस्ट प्राइस, जिसको आप बच्चे टैग प्राइस कहते हो। इसमें से सबसे पहले हम माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। बस इसी लॉजिक के साथ आपका जीएसटी खत्म हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो भी वैल्यू आती है, दिस इज कॉल्ड सेल्स वैल्यू। ये होती है सेल्स वैल्यू। और अगर आपने सामान खरीदा है, अगर आपने सामान खरीदा है तो आप बोलोगे परचेज वैल्यू। तो ये सेल्स वैल्यू भी होती है और परचेज वैल्यू। उसके बाद एक और डिस्काउंट माइनस करते हैं, कैश डिस्काउंट। बट वो डिस्काउंट आप सबको पता है, कैश डिस्काउंट हम तब देते हैं व्हेन पेमेंट मेड इन कैश। अगर आपने पे कर दिया तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद जो वैल्यू आती है, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। नाम से साफ पता लग रहा है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब इस प्राइस के ऊपर दोस्तों टैक्स लगता है, जीएसटी। यानी जीएसटी किस पे लगता है? इस प्राइस पे लगता है, याद रखना। और इसके बाद आपका फाइनल अमाउंट आ जाता है, वो अमाउंट आप सेलर हो या परचेजर हो, ये अमाउंट आप लेते हो। तो ये एक फॉर्मेट होता है जीएसटी का। कैश डिस्काउंट किस पे लगता है? इस पर। जितनी पेमेंट कैश पे करोगे उतने पे लगेगा। ट्रेड डिस्काउंट किस पे लगता है? इस पर। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है, आपको बस याद रखना है जीएसटी किस अमाउंट पे लगता है, खत्म कहानी। ये भी पॉइंट आपका खत्म हो गया जीएसटी से रिलेटेड। एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं, मुझे लगता है मैंने शायद पहले आपको बताई थी, बट स्टिल एक बार दोबारा से देख लो। जब भी हम बात करते हैं असेट्स की, दोस्तों असेट्स दो तरह के होते हैं, बस खत्म, ये वाला चैप्टर खत्म। असेट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है टेंजिबल। टेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। एक होती है इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स मींस विच कैन नॉट बी टच। जैसे इसका एग्जाम्पल आप सब बच्चों को पता है, गुडविल। गुडविल इसका एग्जाम्पल होता है। और होता है पेटेंट्स। ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्कूल्स के अंदर दोस्तों। और होते हैं ट्रेडमार्क। जैसे ये एप्पल का जो साइन होता है, एप्पल कटा हुआ जो होता है, ट्रेडमार्क। और होते हैं कॉपीराइट्स। दीज आर कॉल्ड इनटेंजिबल सॉफ्टवेयर। इनटेंजिबल सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल में जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो ऐप होती हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर, ये सारे इनटेंजिबल होते हैं।
और टेंजिबल बाकी के जो दिखते हैं वो टेंजिबल होते हैं। अगर टेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो आप वर्ड बोलते हो डेप्रिसिएशन, जो मैं आपको पढ़ा रहा था। बट आपको पता है अगर इनकी वैल्यूज कम होती हैं, इन असेट्स की वैल्यू कम होती है। वेरी गुड उत्कर्ष बेटा, किसी बच्चे को पता है, मैंने पहले भी बताया था, समीक्षा जैन, दो बच्चों को पता है, इनको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। सिर्फ टेक्निकल वर्ड है और कुछ नहीं है। अगर इनकी वैल्यू कम होती है एमोर्टाइजेशन, इनकी वैल्यू कम होती है डेप्रिसिएशन। और याद रखना, एक ऐसी टेंजिबल असेट होती है जिसके ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड बेटा, लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए आज की क्लास में, और जब मैं एमसीक्यू टेस्ट लूंगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी उसके अंदर, और हम नेक्स्ट क्लास में उन्हीं एमसीक्यूज के आपके साथ सॉल्यूशंस और आंसर डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी एकदम अच्छी कमांड हो जाए इस चैप्टर पे। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, अब हम ले लेते हैं आपके डाउट्स।